गुड मॉर्निंग बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी नई यूनिट, दैट इज यूनिट 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बेटा एटम के बारे में आप थोड़ा कुछ 9th 10th से ही पढ़ते आ रहे हो, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि एक्चुअली आपका एटम होता क्या है। साथ ही साथ मैंने आपके यूनिट 1st में भी, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में भी, एटम्स के बारे में काफी कुछ पढ़ाया था। तो अब हम इस चैप्टर में आपके एटम्स के बारे में जितनी भी थ्योरी दी गई कि एटम की डिस्कवरी कब हुई, कैसे हुई, साथ के साथ एटम के अंदर कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट है, एटम आपकी कैसी प्रॉपर्टीज शो करता है, कैसी रिएक्शन शो करता है, कैसे कॉम्बिनेशन शो करता है, वो सारी चीज़ें अब हम इस चैप्टर में ब्रीफली पढ़ेंगे। बिल्कुल इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक हम एटम के बारे में ही पढ़ेंगे। तो बेटा बात करते हैं, बेटा ये बात थी आपकी 380 और 400 BC के बीच की बात है ये, यानी कि ये ऐसा टाइम था जब आपके साइंटिस्ट नहीं होते थे, आपके ऋषि मुनि होते थे। ऋषि मुनि ही अपने ज्ञान को बांटा करते थे, वो जो भी चीज ऑब्जर्व करते हैं, वो जो भी चीज ऑब्जर्व करते थे उन पे डीपली स्टडी करते थे और तब जाके वो अपने शिष्यों को अपना ज्ञान प्रदान करते थे। तो बेटा ये ऋषि मुनियों के टाइम की बात है। उस टाइम एक आपका इंडियन ऋषि होते थे जिसका नाम था कन्नड, और साथ के साथ आपका एक ग्रीक फिलोसोफर था जिसका नाम था डेमोक्रेटस। ये एक ग्रीक फिलोसोफर थे। बेटा ये दोनों मैंने साथ इसलिए लिखे, आपके कन्नड़ जो है एक इंडियन ऋषि मुनि थे और आपके जो डेमोक्रेटस थे वो एक ग्रीक फिलोसोफर थे। फिलोसोफर का मतलब ऋषि ही होता है, ग्रीक में ऋषि मुनियों को फिलोसोफर्स कहते हैं। ठीक है बेटा, मैंने इन दोनों को एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि इन दोनों ने एक कॉमन बात कही थी, हालांकि इन दोनों की लैंग्वेज अलग थी उस बात को कहने की, क्योंकि इंडिया में वो टाइम था आपका संस्कृत लैंग्वेज का, उस टाइम संस्कृत में पढ़ा जाता था, या मैं कहूँ संस्कृत श्लोक चलते थे। तो उस टाइम आपके जो इंडियन ऋषि मुनि थे कन्नड़, उन्होंने अपनी जो एक बात कही थी वो संस्कृत में कही थी, और आपके जो डेमोक्रेटस हैं उन्होंने अपनी सेम बात ही, दोनों की बातों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी थी, बट उन्होंने वही बात आपकी ग्रीक लैंग्वेज में कही थी। इन्होंने क्या कहा था बेटा कि इफ वी कीप ऑन ब्रेकिंग अ सब्सटेंस या मैं कहूं मैटर, इन्होंने क्या कहा कि अगर हम किसी सब्सटेंस को, सब्सटेंस आपके क्या होते हैं, मैटर ही होते हैं, जिस भी चीज में मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है वो आपकी मैटर है। ठीक है, उस टाइम में मैटर सब्सटेंस को मैटर नहीं कहा जाता था, मैटर की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो उन्होंने सब्सटेंस का मतलब है चीज, कि मतलब आप जब भी किसी भी चीज को डिवाइड करते हो, या मैं कहूँ किसी भी चीज को अगर आप तोड़ रहे हो, तोड़ते जा रहे हो, कि कोई भी सब्सटेंस ले लो, कोई भी मैटर ले लो, चाहे आप मुझे ले लो, या ये मार्कर ले लो, पेन ले लो, पेंसिल ले लो, बोर्ड ले लो, स्टोन ले लो, या कोई भी सब्सटेंस लो जिसमें भी आपका मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है आपके एनवायरमेंट में, वैसा कोई भी अगर आप सब्सटेंस लेते हो और उसको अगर आप कीप ऑन डिवाइडिंग, अगर आप तोड़ते जाते हो, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपका एक ऐसा पार्टिकल बचेगा उस सब्सटेंस में से जो कि फर्दर आपका डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, इफ वी कीप ऑन ब्रेकिंग अ सब्सटेंस अ पॉइंट विल कम वेयर अ पॉइंट विल बिकम अनडिविजिबल या अनडिवाइडेबल या अनब्रेकेबल, यानी कि आप चाहे किसी भी सब्सटेंस को ले लो, किसी भी मैटर
बर्गर को ले लो, इन्होंने क्या कहा कि आप किसी भी सब्सटेंस को अगर आप ब्रेक कर रहे हो, आप तोड़ रहे हो, मान लो आपने बड़ा पत्थर लिया, आपने उसे तोड़ा, वो दो पीसेस में टूटा, फिर तोड़ा, वो और चार पीसेस में टूटा, फिर तोड़ा, आठ में, सोलह में, ऐसे पीसेस में टूटता जा रहा है, फाइनली एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपका उस बड़े स्टोन में से सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा बचेगा, ये छोटा सा पार्टिकल बचेगा जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो। उस छोटे से टुकड़े को बेटा कन्नड़ ऋषि ने क्या कहा, कण। ठीक है, जैसे हमने आपका पढ़ा है संस्कृत में कि कण कण में भगवान बसता है, तो उस टाइम क्या कहा कि हर एक छोटे पीस में, हर एक सब्सटेंस का जो सबसे छोटे से छोटा पार्टिकल होता है उसमें भी भगवान बसता है। ठीक है, तो उन्होंने उस पार्टिकल को क्या कहा, कण। तो ये जो कण नाम है उन्होंने अपने ही नाम से निकाला गया, निकाल के उसकी डेवलपमेंट की, तो कन्नड़ ने अपने ही नाम से एक नए वर्ड का डिस्कवर किया जिसका नाम था कण। ठीक है, सेम डेमोक्रेटस ने इसी कण को क्या कहा बेटा, उन्होंने कहा एटॉमी। ठीक है, सेम कण को ही उन्होंने एटॉमी कहा कि जो आपका एक ऐसा लास्ट में आप किसी सब्सटेंस को ब्रेक कर रहे हो, लास्ट में जो आपका अनडिविजिबल पार्टिकल बचेगा उसको उन्होंने कहा अनएटॉमी। ठीक है, सॉरी एटॉमी। तो एटॉमी का मतलब क्या होता है, अगर आप इंग्लिश में देखो बेटा, तो देखो ए जो है, ए का मतलब होता है इंग्लिश डिक्शनरी में, अगर देखो आप, ए का मतलब होता है अन, और आपका जो एटॉमी है, टॉमी जो वर्ड है उसका मतलब होता है अनकटेबल या अनब्रेकेबल। ठीक है, कैसे, आपने पढ़ा होगा कि जैसे टॉमी जो वर्ड होता है TOMY, बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा, उसका मतलब होता है जब भी आप किसी सब्सटेंस को कट कर रहे हो उसका, उसको आप बोलते हैं टॉमी। ठीक है, वैसे टॉमी एटॉमी ये वर्ड आप बायोलॉजी में बहुत ज्यादा पढ़ते हो। तो बेटा डेमोक्रेटस ने कण वर्ड को क्या कहा, या मैं कहूँ सबसे जो छोटा पार्टिकल है जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो उसको आपको कहा एटॉमिया। एटॉमिया का मतलब, ए मतलब होता है अन और टॉमी मतलब होता है अनकटेबल। टॉमी का मतलब होता है कटेबल। तो अगर हम दोनों वर्ड्स को या दोनों को मिला के देखें तो आपका आता है अनकटेबल। अनकटेबल का मतलब होता है अनब्रेकेबल। ये एक ऐसा पार्टिकल है जिसको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हो। उसके बाद बेटा क्या हुआ कि ये जो है आपकी, जो इन्होंने कन्नड़ और डेमोक्रेटस ने जो भी आपकी बताई थी इस पार्टिकल के बारे में, जो भी अपनी नॉलेज शेयर की थी, उस नॉलेज का उस टाइम क्या था, कुछ रिटन डॉक्यूमेंट्री नहीं होता था, इसीलिए आपकी फर्दर जो एजुकेशन सिस्टम आया उन्होंने इनकी इस थ्योरी को नहीं माना गया, क्योंकि ऋषि मुनियों का जो टाइम था बेटा उस टाइम कुछ भी ऐसे रिटन डॉक्यूमेंट्री सिस्टम नहीं था, तो जो ऋषि अपना ज्ञान देते थे अपने स्टूडेंट्स को वो रिटन फॉर्म में नहीं देते थे, वर्बली देते थे, और वो स्टूडेंट्स में भी इतनी कैपेबिलिटी होती थी, उनकी कंसंट्रेशन पावर इतनी स्ट्रांग होती थी कि वो एक बार सुन के ही अपनी मेमोरी में उसको रिटेन कर लेते थे। ठीक है बेटा, तो अब बात करते हैं, इसके बाद बेटा आपके साइंटिस्ट आए 1800 में, आपके एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम था डेल्टन, और डेल्टन ने आपकी एक थ्योरी दी, यही सेम थ्योरी दी बट उसको रिटन फॉर्म में दिया, इसलिए इसकी थ्योरी को वैलिड किया गया, इनको इतनी इंपॉर्टेंस या क्रेडिट नहीं दिया गया। तो बेटा 1800 में आपका एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था डेल्टन, जिन्होंने आपके डेल्टन एटॉमिक थ्योरी दी थी, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी दी थी। तो इस थ्योरी में उन्होंने अलग कुछ भी नहीं बताया, जो भी आप ये कन्नड़ और डेमोक्रेटस ने बताया था सेम वही चीजें थोड़ी सी मॉडिफाई करके बताई थी। ठीक है, बट रिटन फॉर्म में दी थी इसलिए इसको वैलिड किया गया। सबसे पहली जो चीज उन्होंने कही क्या कि ईच एंड एवरी सब्सटेंस इन दिस यूनिवर्स या ईच एंड एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। कि आपके आसपास जितने भी सब्सटेंस है वो सारे ही किससे बने होते हैं,
एटम से बने होते हैं, मतलब उनमें जो सबसे छोटा कण होता है, सबसे छोटा पार्टिकल होता है, जो भी सब्सटेंस है पार्टिकल आपके साथ साथ कंबाइन होके पूरा आपका एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि जितने भी सब्सटेंस है उनमें जो सबसे छोटा पार्ट है जिससे वे बने हुए हैं उनको क्या कहा, एटम नाम दिया, इसीलिए इसकी थ्योरी को नाम दिया गया है डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा उन्होंने क्या कहा, ये जो आपका एटम है, एटम जो है इज नॉट फर्दर डिवाइडेबल, कि आप इस एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, चाहे आप कितनी भी फोर्स लगाओ जो आपका एटम है वो फर्दर डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, फर्दर आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते हो। तीसरी जो बात उन्होंने कही वो क्या था, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, आपका जो एटम है ये ना ही तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्रिएट किया जा सकता है ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो, उस रिएक्शन में आपके दो रिएक्टेंट है और दोनों रिएक्टेंट को मिला के उस रिएक्शन में मान लो सपोज 12 कार्बन के एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, तो जब वो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बना रहे हैं बेटा उसमें भी आपके 12 कार्बन के एटम्स ही होंगे, ऐसा नहीं है कि रिएक्शन होने के बाद आपके सिर्फ 6 बचे बाकी जो 6 थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है। कभी भी किसी भी प्रोसेस में एटम को ना ही तो आप खुद क्रिएट कर सकते हो और ना ही आप उनको कभी भी डिस्ट्रॉय कर सकते हो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा फोर्थ पॉइंट, तो फोर्थ पॉइंट उन्होंने क्या कहा कि एटम, ऑल द एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टी, ऑल द एटम्स, या मैं कहूँ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट है आर आइडेंटिकल एंड हैव सेम प्रॉपर्टी ठीक है, कि अगर आप फॉर एग्जांपल इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते, मान लो ऑक्सीजन आपका एलिमेंट है, ये आपका ऑक्सीजन एलिमेंट है, तो आपको पता है ये ऑक्सीजन एलिमेंट है, तो बेटा आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट जो है आपका बहुत सारे एटम जब साथ में एक जैसे एटम जब आपके साथ में कंबाइन होते हैं तब जाके आपका एक पर्टिकुलर एलिमेंट की फॉर्मेशन होती है। दैट मींस ये आपका ऑक्सीजन एलिमेंट है, इसका मतलब इसके अंदर बहुत सारे आपके ऑक्सीजन के एटम होंगे, बहुत सारे जिनसे मिलकर आपका ये ऑक्सीजन एलिमेंट बना है, ठीक है, इस टाइप से आपके बहुत सारे ऑक्सीजन के एटम साथ में कंबाइन हुए हैं तब उन्होंने ऑक्सीजन एलिमेंट की फॉर्मेशन की है। तो हम कह सकते हैं कि आप अगर किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को लेते हो तो उसमें जितने भी एटम है वो सारे आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे होंगे। अब जब एटम एक जैसे हैं तो उनकी प्रॉपर्टी भी बेटा सेम ही होगी, ठीक है। तो देखो क्या है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल एंड हैव सेम प्रॉपर्टी। फिफ्थ पॉइंट इन्होंने क्या कहा, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम को कलेक्ट करते हैं, मान लो यहां से मैंने ऑक्सीजन एलिमेंट में से एक ऑक्सीजन का एटम निकाल लिया, ये ऑक्सीजन का एटम है, और अगर बात करें यहाँ आपका मान लो ये आपका कार्बन एलिमेंट है, इसमें बहुत सारे आपके कार्बन के एटम है इस तरीके से, ठीक है, ये आपके कार्बन एटम है, हालांकि इस शेप में नहीं होते, मैं आपको थोड़ा डिस्टिंग्विश करने के लिए इसकी शेप ऐसे बना रही हूँ, ठीक है। तो देखो बेटा अगर मैं यहाँ से ये आपका कार्बन एलिमेंट है, कार्बन एलिमेंट, तो अगर मैं यहाँ से ऑक्सीजन एलिमेंट में से एक एटम निकालती हूँ, मैंने एक एटम आइसोलेट कर लिया है, और ये कार्बन एलिमेंट में से भी अगर मैं कार्बन एटम को आइसोलेट कर लेती हूँ, कार्बन एटम को निकाल लेती हूँ, तो क्या ये दोनों एटम
सेम होंगे, नहीं सेम होंगे, क्योंकि वो ऑक्सीजन एलिमेंट का एटम है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी अलग होगी, और ये जो है आपका कार्बन एलिमेंट का एटम है तो उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। तो हम कह सकते हैं अगर आप डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम की बात कर रहे हो तो उनकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट ही होगी। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट उन्होंने बताया वो क्या बताया, क्या एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर इन अ फिक्स्ड रेशियो, ठीक है, या फिर सिंपल रेशियो में कंबाइन होता है। तो बेटा अगर हम एटम लेते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, अगर मैं ऑक्सीजन का एटम ले रही हूं और मैं अगर कार्बन के एटम ले रही हूं तो वो कंबाइन हो सकते हैं, ठीक है, एटम है, एटम एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो सकता है, सेम एटम भी कंबाइन हो सकते हैं, डिफरेंट एटम्स भी आपस में कंबाइन हो सकते हैं, बट जब भी आपके डिफरेंट एटम कंबाइन होंगे और कंबाइन होके एक पर्टिकुलर आपका सब्सटेंस बना रहे होंगे, कंपाउंड बना रहे होंगे, क्या बना रहे होंगे वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। बट बात यहाँ क्या है कि जब भी आपके आपके डिफरेंट एटम्स या डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम जब भी कंबाइन होंगे हमेशा ही एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे, उनका कॉम्बिनेशन जो रेशियो होगा, कंबाइन होने का जो रेशियो होगा बाय मास, वो ऑलवेज फिक्स होगा, ठीक है बेटा। तो ये तो बात थी आपकी डेल्टन एटॉमिक थ्योरी की, कि डेल्टन एटम डेल्टन ने एटम्स के बारे में ये फर्दर आपके 6 पॉइंट्स बताए, या मैं कहूँ 6 प्रॉपर्टीज बताई कि एटम ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज शो कर सकता है, डिफरेंट एलिमेंट में एटम कैसे होंगे, कैसे कंबाइन होंगे, ये सब उन्होंने बताया। अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं, ये तो बात हो गई 1800 की, उसके बाद आपका टाइम आया, उसके बाद बेटा डाल्टन ने जब ये थ्योरी दे दी, ठीक है, हालांकि डाल्टन की थ्योरी तो कट कॉपी पेस्ट थी जो इन्होंने कर्नाड और डेमोक्राइटस से बताया था, ठीक है, बट जब डाल्टन ने रिटन फॉर्म में ये थ्योरी दे दी बेटा, उसके बाद साइंटिस्ट में क्या हो गया, एक फाइट होने लगी कि हम इसे, ये एटम एक्चुअली है क्या, इसको और भी अच्छे से वेरीफाई करके या और भी ज्यादा मॉडिफाइड इसकी थ्योरी देने की कोशिश करने लगे, ठीक है। तो बेटा टाइम आया आपका 1898 और 1900 का, इस टाइम में आपका क्या होगा, इस इन ईयर्स के बीच में आपकी इलेक्ट्रिसिटी की डेवलपमेंट हो चुकी थी, ठीक है, किसने दी थी, माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी कर दी थी, उन्होंने साथ के साथ एक ट्यूब बनाई थी जिसमें आपके एक एंड पे कैथोड मेटल रखा था, दूसरे एंड पे एनोड मेटल रखा था, और उसके बीच में इलेक्ट्रिसिटी को पास करके अपना एक्सपेरिमेंट वेरीफाई किया था, ठीक है। तो ये कैसे था वो भी हम देखेंगे अच्छे से। तो बेटा अब बात आती है, चलो एक स्टोरी बता देती हूँ इस ईयर की, तो ध्यान से सुनना इस स्टोरी को, कि एक चर्च पे, क्योंकि ये आपका देखो फिलोसफियर्स का टाइम था, तो एक चर्च था, तो उसमें आपके दो दोस्त बैठे हुए थे, एक चर्च में दो दोस्त बैठे हुए थे, एक दोस्त तो ऐसे हाथ करके ऐसे बैठा हुआ था, वो अपने गॉड को याद कर रहा था, उनसे प्रेयर कर रहा था पूरा मन लगा के, और दूसरा जो दोस्त था वो इस तरीके से ऐसे बैठा हुआ था, ठीक है, यानी कि आप बता सकते हो कि दूसरा जो दोस्त है वो काइंड ऑफ बोर हो रहा था, वो गॉड में बिलीव नहीं करता था, वो उसका बिलीव था कि जो भी चीज है वो साइंस की वजह से, उसने साइंस को ही अपना गॉड माना था, बाकी जो भी चीज है कि भगवान ये कर सकता है वो कर सकता है उनकी वजह से ये होता है, वो उनमें बिलीव नहीं करता था उस टाइप की थ्योरी में। तो अचानक से क्या होता है बेटा, बहुत ज़्यादा मौसम खराब होने लगता है, ठंडी ठंडी बहुत ज़्यादा हवाएं चलने लगती है, आसमान बिल्कुल काले काले बादलों से घिर जाता है, ठीक है, बहुत ज़ोर ज़ोर से आपकी बिजली की आवाज़ आने लगती है। तो जो चर्च का जो फादर था बेटा वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आप दोनों में से कोई एक ऐसा इंसान है जो कि पापी है, ठीक है, उस इंसान की वजह से ही गॉड बहुत ज्यादा नाराज हो गया है और वो पूरी अर्थ को पनिश कर रहा है, ठीक है। तो अब जो आपका क्या बोलते हैं, जो इस टाइप से
बैठे थे, यानी कि जो बोर हो रहे थे वो हंसने लगे, क्योंकि वो तो गॉड में बिलीव ही नहीं करते। तो उन्होंने क्या कहा, वो हंस के ऐसे बोलते हैं, क्या कह रहा है ये फादर, क्या कह रहे हैं, कुछ भी फालतू बात बोलते हैं। तो फादर को बहुत हैरानी हुई, उन्होंने कहा कि व्हाई आर यू लाफिंग, आप क्यों हंस रहे हो, गिव मी द रीजन व्हाई आर यू लाफिंग, मैं आपको कुछ बता रहा हूं और आप हंस रहे हो। तो वो क्या कहते हैं, और ये जो बोर जो हो रहा था जो बच्चा, इसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, आप समझ गए होंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन है कौन, नहीं पता तो एक बार गूगल करके देखो क्या बेंजामिन फ्रैंकलिन एक्चुअली कौन थे। ठीक है, तो क्या हुआ, उन्होंने कहा कि फिर उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन रीजन देने लगे कि वो क्यों हंस रहे थे। उन्होंने कहा कि फादर ये को आपके जो भगवान है, क्या वो इतने फ्री है कि वो एक हम में से कोई एक आदमी आप बता रहे हो कि पापी है, तो वो उसको पनिश करने के लिए पूरी जो अर्थ है या पूरे यूनिवर्स पे इस तरीके की एक्टिविटीज दिखा रहे, क्या वो इतना फ्री है। ठीक है, उनको और कोई काम नहीं है कि वो एक छोटे से इंसान के लिए जो कि चर्च में बैठा हुआ है उसको पनिश करने के लिए वो पूरी धरती को हिला सकते हैं। तो फिर उन्होंने क्या कि जरूर ऐसा ही है, फादर ने कहा, बट उन्होंने फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या कहते हैं कि ये कोई आपके भगवान भगवान नहीं कर रहे, ये एक नेचुरल फिनोमना है, या मैं कहूँ एक साइंटिफिक फिनोमना है, क्यों हो रहा है इसका भी कुछ रीज़न होता है जिसको साइंस ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, इसमें आपके कुछ गॉड वॉड का हाथ नहीं है। तो फादर उस टाइम गुस्सा होके कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे वेरीफाई करके दिखाओ, आप मुझे प्रूव करके दिखाओ कि ये साइंस का कॉन्सेप्ट है, गॉड का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो अब जो आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, उन्हें क्या हुआ, क्यूरियोसिटी हो गई कि हाँ अब तो मुझे प्रूव करके दिखाना है। तो वो क्या करते हैं, उसी टाइम जाते हैं और उस एरिया की जो सबसे ऊंची जो चर्च है उसकी छत पे चढ़ जाते हैं। ठीक है, और वहां पे क्या करते हैं, वो एक काइट बनाते हैं, वहां पे वो एक काइट बनाते हैं। उस काइट में वो क्या करते हैं बेटा, जैसे आपकी नॉर्मली काइट क्या होती है, इस टाइप से आपकी काइट होती है, यहाँ पे आप क्या डालते हो, ऐसे लकड़ी डाल, एक लकड़ी ऐसे अटैच होती है, एक बीच में से होती है, तो वो लकड़ी की जगह कॉपर वायर यूज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, इस काइट में छेद करके एक थ्रेड, बहुत बड़ा थ्रेड, जैसे आप नॉर्मली काइट आप उड़ाते हो उस तरीके से सारे फिनोमेना करता है वो, बट यहाँ पे वो जो आप यहाँ डंडी यूज करते हो, जो यहाँ पे आप वुड स्टिक यूज करते हो, वो वुड स्टिक यूज ना करके वो कॉपर वायर यूज करता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, वो जो वायर है उस, सॉरी, वो जो आपका जो थ्रेड था, उसकी जो काइट का थ्रेड था, उसके अराउंड वो पतला सा कॉपर वायर लगा देता है, लपेट देता है, और उस कॉपर वायर को अपने पास रखी हुई एक बेल से कनेक्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद बेटा वो क्या करते हैं, पंख, ये आपकी पतंग उड़ाना स्टार्ट करते हैं, बहुत दूर तक ढील देते जाते हैं। तो पतंग आपकी वो ढील दे रहे थे, इतना दे रहे थे कि उसकी पतंग जो है क्लाउड को बिल्कुल ऑलमोस्ट टच करने को होती है। ठीक है, तो जैसे ही बिजली कड़कती है, वो बिजली क्या करती है, जैसे ही वो बिजली उस काइट पे पड़ती है, क्योंकि काइट में क्या है आपके कॉपर वायर है, तो वो कॉपर वायर के थ्रू वहां कंडक्शन होता है और वो करंट जो है ट्रैवल करता है, और आपकी बेल है वो क्या करती है, ट्रंग ऐसे आवाज करती है। तो जैसे ही दोबारा बिजली कड़की, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई और आपकी बेल फिर से बजने लगी। तो उस टाइम आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन बहुत ज्यादा खुश हुए कि मैंने ये चीज प्रूव करके दिखा दी कि ये एक साइंटिफिक फिनोमेना है। वो दौड़े दौड़े गए चर्च में और फादर को कहते हैं कि देखो मैंने प्रूव कर दिया कि ये एक साइंटिफिक फिनोमेना है, यहाँ पे आपके गॉड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो फादर कहते हैं कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो बिजली जब गिरती है, नॉर्मली आपकी जब भी बिजली गिरती है, बादल गरजते हैं, बिजली कहीं गिर रही है एरिया में, तो वो एरिया भुलस जाता है, या किसी ऑर्गेनिज्म पे गिरती है तो उस ऑर्गेनिज्म का हड्डियों का ढांचा भी नहीं बचता, वो भी भुला जाता है, यानी कि स्केलेटन तक डिस्ट्रॉय हो जाता है। और आप कह रहे हो कि आपकी बिजली काइट पे गिरी, ठीक है, और काइट के थ्रू वो आपके बेल तक आई, और आपने काइट के वायर को हाथ में भी पकड़ रखा था, थ्रेड के अराउंड वायर था उनका, तो उसको हाथ में भी पकड़ रखा था, और आपको कुछ नहीं हुआ, इस चीज को मुझे प्रूव करके दिखाओ कि आपको कुछ क्यों नहीं हुआ, अगर करंट वहां से ट्रैवल कर रहा है तो आपको कुछ इफेक्ट क्यों नहीं पड़ा, आपके ना तो हाथ जले या ना आपके बॉडी में और कोई डिस्ट्रक्शन हुआ।
तो बेटा ये बात बेंजामिन फ्रैंकलिन को भी लगी कि शायद कुछ ऐसा है जो मिस हो रहा है। मतलब उस टाइम बेंजामिन फ्रैंकलिन को भी लगा कि उनकी जो थ्योरी है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाई है, इस वजह से वो अपने कंसेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो सब लोगों के सामने बेंजामिन फ्रैंकलिन का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा। ठीक है, तो अब आपके दोस्त का अगर मजाक उड़ रहा हो तो क्या आपको अच्छा लगेगा? तो ऐसे ही भीड़ में उनका एक फ्रेंड खड़ा था जिसका नाम था जे जे थॉमसन। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपना हाथ उठाया और कहा कि आपको कोई हक नहीं है कि आप मेरे फ्रेंड को बेइज्जत करो पूरी सोसाइटी के सामने। मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा कि मेरा फ्रेंड ही सच बोल रहा था। दैट इज, ये जो फिनोमेना हो रहा है ये एक साइंटिफिक फिनोमेना है, इसमें गॉड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ऐसा वो कह के अपनी लेबोरेटरी में भागे भागे जाते हैं और वो क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट इतना ज़्यादा इफेक्टिव करते हैं कि उसके वजह से आसपास के जितने भी साइंटिस्ट हैं सबके दिमाग हिल जाते हैं और उसी के कारण हम आज आपका ये यूनिट पढ़ रहे हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उनकी ही डिस्कवरी के कारण। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या था बेटा, वो हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, आज जो मैंने आपको स्टोरी बताई वो भी समझ में आई होगी, क्योंकि स्टोरी के मीडियम से हम कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा इजीली समझ पाते हैं, साथ के साथ हमें याद करना भी वो थोड़ा सा एक अच्छा लगता है कि आपका एंटरटेनमेंट भी हो रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।